हेलो इंजीनियर्स, दिस इज प्रशांति। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया गैजेट जो है एक एनालॉग क्लॉक। तो ये जो क्लॉक है ये थोड़ा अलग किस्म का होता है। तो इसका जो क्लॉक का जो इंडिकेटर होता है, घंटे का इंडिकेटर होता है, वो एक्चुअली में अलग से मूविंग करेगा। मतलब ये बिना सपोर्ट के ये मूविंग करेगा, लेकिन इसका सपोर्टिंग जो है वो मैग्नेट के जरिए ये जो कि घूमता है। तो अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से एक्चुअली में घर पे इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। This video is sponsored by JLC PCB. नया PCB के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर PCB। अच्छे क्वालिटी PCB का भरोसा JLC PCB। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका PCB। और JLC PCB से अभी 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ STL फाइल अपलोड कीजिए और मटेरियल को सेट करके सिर्फ ऑर्डर कर दीजिए। JLC PCB से बेस्ट क्वालिटी का 3D प्रिंटिंग आपके घर पे आसानी से पहुंच जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो ये जो क्लॉक मैंने बनाया है, इसका जो बेस है इसको मैंने 3D प्रिंटर से बनाया है। तो आपको इसका STL फाइल मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से। तो आपके पास अगर 3D प्रिंटर नहीं है तो आप JLC PCB से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, 3D प्रिंटर भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसका PCB भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑर्डर करके आप आसानी से घर पे इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो अभी चलिए इसके अंदर जो सर्किट है उसको हम लोग फिट करेंगे और साथ में इसका मैकेनिकल इसको फिट करके बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। We'll be right back.
अभी आप लोग देख सकते हैं ये डिवाइस कंप्लीट हो गया है। तो इसके अंदर मैंने सर्किट को फिट किया है, जो सर्किट मैंने जेएलसी पीसीबी से मंगवाया है उसको मैंने यहाँ पे फिट किया है, और साथ में मैकेनिकल के जरिए ये ऑपरेटिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे जो इंडिकेट करता है घंटे को और मिनट को जो इंडिकेट करता है, वो एक्चुअली मैंने लगाया है, ये वाला जो घंटे का है वो मैग्नेट के जरिए ऑपरेटिंग होते हैं। तो देखिए इसको अगर हटाएंगे तो ये इस तरह हिलता है, मतलब ये अभी मैग्नेट के जरिए नहीं हुआ है, मैग्नेट यहाँ पे है। तो जब भी मैग्नेट पे लाएंगे तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे कैच कर लेगा, और जब भी बाहर का सर्कल राउंड राउंड करके घूमेगा तो क्या होगा, एक्चुअली में ये जो है मैग्नेट के जरिए ये भी घूमेगा, और ये जो है ये जो आप देख रहे हैं जो कि मिनट का जो इंडिकेट करते हैं वो मैंने डायरेक्ट फिट कर दिया है, तो जिसकी मदद से ये एक्चुअली में मूविंग करेगा और मैकेनिकल के जरिए मिनट और घंटे को एक साथ मूविंग करने में सहायता मिलेगा। तो अभी इसको स्टार्टिंग करके आपको दिखा दें। तो मैंने इसको स्पीड कर दिया है, इसका जो प्रोग्रामिंग है वो आपको मिल जाएगा, ये स्लो में भी हो जाएगा, मतलब घंटे के साथ साथ भी ये काम करेगा, लेकिन घंटे के साथ अगर दिखाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको फास्ट कर दिया है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में इसका प्रोग्रामिंग भी मिल जाए, दो प्रोग्रामिंग मिलेगा, एक होगा स्पीड से घूमने वाला और दूसरा होगा को जो कि घड़ी के साथ ये मूविंग करेगा। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे हम लोग एक टेबल क्लॉक बना सकते हैं, वो भी अलग किस्म का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना, ठीक है दोस्तों, बाय।